हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम विद्यार्थी आकलन सेट टू अक्टूबर 2021 कक्षा 10वीं विषय शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका जो टाइम है इसमें 60 मिनट है और जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। निर्देश हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 13 5 अंक का है। 1 से 5 सही उत्तर का चयन करके लिखो। प्रश्न 1, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हमसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल, डी हॉकी। तो स्टूडेंट्स, हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। एज यू ऑल नो कि अभी जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भारत की जो मेंस हॉकी टीम थी उसने जो है कांस्य पदक जीता था और देश को जो है गौरवान्वित किया था। तो व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सेकंड, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? विच इज नॉट आवर नेशनल फेस्टिवल। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय त्यौहार बताएं, नेशनल फेस्टिवल्स बताएं। तो स्टूडेंट्स, 15 अगस्त जो ए ऑप्शन में है ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, बी ऑप्शन में 26 जनवरी ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है, और डी ऑप्शन में 2 अक्टूबर ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं। 14 सितंबर ये जो है हमारा नेशनल फेस्टिवल नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 सितंबर। नाउ प्रश्न 3, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो स्टूडेंट, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल, डी क्रिकेट। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2024 ओलंपिक गेम्स आर शेड्यूल्ड फॉर ए लंदन, बी पेरिस, सी टोक्यो, डी बेल्जियम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए लंदन। 2024 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो लंदन में होंगे। 2024 ओलंपिक गेम्स आर शेड्यूल्ड फॉर लंदन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, हमें आज़ादी कब प्राप्त हुई? व्हेन वी गॉट फ्रीडम? ए 15 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1948, सी 26 जनवरी 1947, डी 26 जनवरी 1950। तो स्टूडेंट, सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन 6, अशोक चक्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? व्हाट इंस्पिरेशन वी रिसीव फ्रॉम अशोक चक्र? तो अशोक चक्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है नोशन और द लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। इट डिपिक्ट्स द व्हील ऑफ द लॉ और व्हील ऑफ धर्मा इन द सारनाथ लॉयन कैपिटल मेड बाय एम्परर अशोका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? When we celebrate Martyrs Day in Haryana? Students, we celebrate Martyrs Day in Haryana on 23rd September. 23 सितंबर को हरियाणा में जो है शहीदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन 8, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता का नाम किसके नाम पर रखा पड़ा? On whose name रणजी ट्रॉफी कॉम्पिटिशन was started? तो स्टूडेंट्स, रणजी ट्रॉफी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर। नाउ क्वेश्चन 9, एशियाई खेल कब और क्यों शुरू हुए? तो द फर्स्ट एवर एशियन गेम्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1951 में शुरू हुए। अब क्यों शुरू हुए? आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैनी एशियन कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस। बहुत से एशियाई खेलों को, एशियाई देशों को जो है स्वतंत्रता मिली। एंड गुरुदत्त सोंडी जो कि एक मेंबर थे इंडियन ओलंपिक कमेटी के, उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया कि एशियन गेम्स होने चाहिए
वेयर ऑल नेशंस कैन बी एशियन नेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड, जहाँ सभी एशियाई देशों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके, तो इस वजह से एशियाई गेम शुरू हुए। नाउ क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस आदि अवसरों पर फहराया जाता है। नाउ क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय एकता के मुख्य प्रतीक कौन से हैं? व्हाट आर द मेन सिंबल्स ऑफ नेशनल यूनिटी? नेशनल यूनिटी के जो मेन सिंबल्स हैं वो आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिटी के जो मेन सिंबल्स हैं, द नेशनल एंथम, द नेशनल फ्लैग, द लॉयल्टी प्लेज और द प्रेजिडेंसी, ये जो है नेशनल यूनिटी के मेन सिंबल्स हैं। क्वेश्चन 12, प्राचीन ओलंपिक खेलों के कुछ नियम लिखें। राइट डाउन द रूल्स ऑफ एंशियंट ओलंपिक गेम्स। ओनली फ्री मैन, नॉट स्लेव्स दैट कुड स्पीक ग्रीक वर अलाउड टू कम्पीट। वंस यू एंटर यू कैन नॉट लीव द ओलंपिक्स। ये थे प्राचीन ओलंपिक खेलों के कुछ नियम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 कहता है, राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक कारकों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द मेन ऑब्स्टेकल्स इन नेशनल यूनिटी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक लिखें। एक्सप्लेन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो स्टूडेंट्स, जो मेन ऑब्स्टेकल्स हैं नेशनल यूनिटी के, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में, उसके बाद इंटरनल चॉइस में अथवा में दिया हुआ है एक्सप्लेन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो एक्सप्लेन द मेन ऑब्स्टेकल्स इन नेशनल यूनिटी, तो ये मैं आपको थोड़े बता देता हूँ। मेन ऑब्स्टेकल्स इन नेशनल यूनिटी में है, पहला है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, बी कास्टिज्म, जातिवाद, सी रीजनलिज्म, क्षेत्रीयवाद, डी प्रोविंशियलिज्म, प्रांतवाद, ई लिंग्विज्म, भाषावाद, फिर रिलीजियस प्रेजुडिस, धार्मिक भेदभाव, और फिर है इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक स्थिति। ये जो हैं मेन ऑब्स्टेकल्स हैं नेशनल यूनिटी में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है आपका जो ये फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर था, इसको जो है सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।